मॉड्यूल 213 हंड्रेड एंड थर्टीन बोलेमावोसा बोलेमावोसा इज एन अदर टाइप ऑफ ऑफिंग डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज ईट अलॉट एंड आफ्टर दैट पर्च इट आउट सो बेसिकली द क्लाइंट फील द नीड टू ईट एंड वेन ही स्टार्टिंग टू ईट ही गॉट द फ़ियर ऑफ बींगटिंगट हीट आउट सो अगर हम ये देखें तो बोलेमावोसा जो है दैट इज लाइक एनोरेक्सिया नवोसा बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली इन लाइन विद डैट हाउ वी आर सींगट इट इज नॉट कम्प्लीटली इन लाइन विद दैट एंड शाम ऑफ इट समटम इज इन द वे जो एनोरेक्सिया नोसा है उसके अंदर भी फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है बोलेमा नवोसा में भी फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है ठीक है लेकिन फर्क क्या है के जो बोलेमा नवोसा है उसमें जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा खा रहा है ठीक है ज्यादा खाने के बाद यानी बिन ईटिंग करने के बाद वो पर्जिंग कर रहा है यानी वॉमिट आउट कर रहा है ठीक है और जो इसमें जो वेट है वो नॉर्मल रेंज में होगा ठीक है यानी जो बी है दैट इज इन बिटवीन एटीन टू थर्टी के दरमियान होगा लेकिन जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें जो वेट है क्लाइंट का वो लेस होता है दो कि उसके अंदर भी परजिंग और बे जो है वो डेवलप हो सकती है सो so, बोलेमा नर्वोसा को अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करें तो उसके अंदर क्या होगा कि बेंज जीटिंग होगी यानी वो ज़्यादा खाएगा और उसके बाद वो फ़ौरी तौर पे कोशिश करेगा कि वो वेट गेन ना करे ठीक है और जब वो ये कोशिश करेगा कि वो वेट गेन ना करे तो उसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेगा जिसमें पर्जिंग हो सकती है अब उसमें वो क्या करेगा कि वो वॉमिट करेगा वामिट करने के अलावा वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा वो लेगजेटिव लेगा तो इस तरह जो है वो उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करता है अगर हम इसके सिम्टम्स देखें भले मसा की तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो ज़्यादातर टाइम है ये एक वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा खाते हैं ठीक है और इतना ज़्यादा खाते हैं कि दे सेट के दे फील दैम सेल्फ अनकंट्रोलेबल ठीक है बेसिकली जो क्लाइंट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर फूड इन करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके टेबल के ऊपर चार पाँच चीज़ें पड़ी होंगी तो वो सारी की सारी खा लेगा ठीक है और वो अनकंट्रोलेबल इम्पल्स होगी उसकी फॉर टेकिंग दैट फूड तो जब वो वो फूड खा लेगा उसके बाद होगा क्या कि उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होगी शेम होगी और एन्जाइटी की फीलिंग्स उसके अंदर इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगी इसके साथ साथ उसके अंदर हैवीनेस की फीलिंग भी जो है वो भी डेवलप हो सकती हैं सेकेंडली इन लोगों के अंदर जो है वो परसेप्शन होता है अपनी बॉडी वीट और शेप के रेफरेंस में बेसिकली जब वो बहुत ज्यादा फूड इंटेक करते हैं उससे उनको जो गिल्ट है शेम है या एनजाइटी की फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं टू एनकाउंटर दीज फीलिंग्स वो क्या करते हैं दे पर्ज द फूड ठीक है अब वो क्या करेंगे वो वॉमिट करेंगे वो लिग्जेटिव लेंगे और सर्टन टाइम वो कोशिश करते हैं कि गैग रिफ्लैक्स लेने की भी ठीक तो उसकी हेल्प से जो अब जब उनको वामिट हो जाता है तो दे फील दमसल्स के जो उनकी कैलोरीज हैं जो बॉडी में गई हैं वो उन्होंने वामिट आउट कर दी हैं ठीक है और उसके बाद वो सम टाइम अपनी इस एक्सेसिव टेकिंग ऑफ फूड को जो है वो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक्सेसिव एक्सरसाइजिज करते हैं अब जब हम वर्ड बोलते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज का तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक, एक ही दिन में वो 500 हंड्रेड सेटअप जो हैं वो करना शुरू कर देंगे ठीक है या जब वो रनिंग करना शुरू करेंगे तो वो टू टू थ्री थ्री आवर्स जो है वो रनिंग करना शुरू कर देंगे तो दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो उनका हमें ऑब्जर्व होता है इसके साथ साथ जो उनकी प्री ऑक्योपेशन होती है वो अपनी बॉडी वेट और शेप के साथ बहुत ज्यादा होती है ठीक है जो उनका सेल्फ इमेज होता है Uh, वो बहुत हद तक डिस्टोटेड होता है दे डोंट लाइक दमसल्व दे ऑलवेज सेट दैट वी आई एम आई एम फैट आई एम अगली तो इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स है वो उनके जहन के अंदर चलती रहती हैं ठीक है थीके? तो जिस वक्त भी आपके सामने बुलमा नर्वोसा का कोई क्लाइंट आएगा तो आपने उसे uh, किन बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है एनोरेक्सिया नर्वोसा से नंबर वन कि इनका जो वेट है वो नॉर्मल लिमिट में होता है ठीक है और इसके साथ आपने ये भी देखना है कि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा थिन नहीं होती ये सर्टन टाइम और बीस जो लोग होते हैं उनके अंदर भी बोलेमा नर्वोसा जो है वो फाइंड आउट किया जाता है ठीक जो लेकिन जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसके अंदर थिननेस जो है बॉडी की वो होगी और इसके साथ साथ जो उनका बॉडी वेट होगा वो जो है वो बिलो बीएमआई होगा तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसके साथ च टाइप जो है वो डेवलप हो सकती है यानी जो क्लाइंट है वो फूड इनटेक नहीं कर रहा लेकिन अगर वो फूड इन टेक कर रहा है तो वो पर्च कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है अगर वेट में रिडक्शन है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है अगर वेट में रिडक्शन नहीं है और नॉर्मल वेट का जो है वो क्राइटेरिया आ रहा है तो वो बोलेमा नर्वोसा है उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोलेमा नर्वोसा है उसका जो फिजिकल इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो क्या क्या आएगा ठीक तो ड्यू टू ईटिंग डिसऑर्डर जो ब्रेन है उसके अंदर डेफिनेटली के बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे जिसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है फियर ऑफ गेनिंग वेट है इन्जाइटी है डिसीनेस है शेम है और लो सेल्फ इस्टीम है देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो उनकी चीक्स होती हैं वो या तो सोर होती हैं या स्वेलो भी हुई होती हैं क्यों क्योंकि दे आर लाइक सम टाइम दे आर ट्राइंग टू डू द वॉमट आउट तो जब वॉमिटिंग करने के लिए वो फिंगर्स को मुंह के अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से भी उनके जो चीक्स हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इसी तरह माउथ में देखा गया है कि कैविटीज़ होती हैं सर्टेन टाइम गम डिजीज भी हो सकती है तो इस तरह की जो सेंसिटिविटी है वो माउथ के अंदर डेवलप हो जाती है इसी तरह अगर आप थ्रॉट में देखें तो आमतौर पर वो सोर होता है इरेटेबल होता है सम टाइम जो इतनी वो वॉमिट करते हैं कि सर्टन टाइम अब ब्लड भी जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया है और उसके बाद क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फिंगर इंसर्ट करें तो इट मे पॉसिबल के जो थ्रॉट है वो इंजर्ड हो जाए इसी तरह जो मसल हैं वो फटीकड होते हैं उनके देन जो स्टमक है उसमें अल्सर हो सकता है और वो रेप्चर भी हो सकता है उसमें पेन भी हो सकती है क्यों क्योंकि दे आर टेकिंग सो मैनी लेगज तो उसकी वजह से स्टमक के प्रॉब्लम जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है क्यों ड्राई हो सकती है क्योंकि जो वाटर इनटेक है वो इतना ज़्यादा नहीं है स्किन जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है अब जो ब्लड है उसमें जो है ये देखा गया है कि एनीमिया जो है इन बच्चों को हो जाता है जो हार्ट है उसके अंदर इ हार्ट बीट जो है वो देखने में आई है वीकनेस देखने में आई है यानी मसल्स जो हैं ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है जो बॉडी फ्लूड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं मैग्नीशियम पोटाशियम सोडियम का जो है वो इनके अंदर प्रॉब्लम होता है यानी उनकी लेवल लो होती है इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटेस्टाइन के जो इनके फंक्शनस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इरेगुलर बावल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं डायरिया भी हो सकता है इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो इनको मौजूद होती हैं इनकी हिस्ट्री में इसी तरह जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और केस ऑफ फीमेल जो पीरियड्स हैं वो इेगुलर हो सकते हैं या एबसेंट हो सकते हैं तो बेसिकली जो ईटिंग डिसऑर्डर में अगर बुलिमिया नर्वोसा की हम बात करें तो दैट इज नॉट ओनली लिमिट टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी इट आल्सो इफेक्ट द बॉडी फिजिकली टू थैंक यू